पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा। झूमते हुए सोलंकी परिवार और महात्मा के साथ में क्या बात है, आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा। आदिनाथ परमात्मा का शंखनाद होना चाहिए। जय जय बोलो आदिनाथ, बोलो बोलो आदिनाथ, प्यारा प्यारा आदिनाथ, हर हमने मलिया आदिनाथ, हर हमने मलिया आदिनाथ, हर मारा वाला आदिनाथ, हर हुना प्यारा आदिनाथ, हर भाइयों बोले आदिनाथ, हर बच्चे बोले आदिनाथ, हर बूढ़े बोले आदिनाथ, हर बहने बोले आदिनाथ, रोमे रोमे आदिनाथ, सांसे सांसे आदिनाथ, अणु अणु मां आदिनाथ, परमाणु मां आदिनाथ, ताल करे में आदिनाथ, विमला चलना, शत्रु जयना, आदिनाथ, चिक मेटना, चिक मेटना, आदिनाथ, 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 ताल करना, आदिनाथ। अरे सभी के हाथ तो खड़े कर दीजिए, आदिनाथ दादा का जयकार। प्रभु आदिनाथ परमात्मा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उपवन में पधार चुके हैं। इच्छामि खमासमणो मंदियम जावणी जय निसी आए मथा एण वंदामि इच्छा कारण संदिश्य भवन अबुठ्योमि अपिंतर रायम खमेउ इच्छम खमेमि रायम जमकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणी विनय विया वच्चे आलावे सल्लाव उच्चासने समासने अंतरवासे उरीवासे जमकिंची मध्य विनय परिहिनम शुहुमं वा वायरं वा तुभे जानह अहम न जानते सब इच्छामि दुकडाम इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावणी जयनिसी आए मत्था एण वंदामि सुक्षातम साहिब जी इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावणी जयनिसी आए मत्था एण वंदामि इच्छा कारण संदिश्य भगवन वायना संदिशाओ इच्छा इच्छामी खमा सपनो वंदियुम जावणी जैन सी आए मत्था एण वंदामी इच्छा कारणा संदिश्य भगवन वायना लेशु इच्छा इच्छामी खमा सपनो वंदियुम जावणी जैन सी आए मत्था एण वंदामी ओम नमो जीणाणम शरणाणम लाणम लोगोत्तमाणम राम रेम रोम रेम रोम रह असिया उषा त्रैलोकललाय भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीर्णाणाम सभी बोलेंगे शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रोम रेम रोम रह असिया उषा तेलकललाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रोम रे रोम रह असिया उषा तेलकललाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा हर एक कण में त्याग है रग रग में वेरा श्वास श्वास में
हर धड़कन में संयम का अनुराग, कोई रोके कोई पुकारे कोई रोके कोई पुकारे कोई करे मनुहा निर्मोही बन ऋषभ कुमार निर्मोही बन ऋषभ कुमार तो छोड़ चले संसार छोड़ चले संसार अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैराग बन के निकले वैरागी बन के निकले वैरागी बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले मरुदेवी माँ का प्यारा मरुदेवी माँ का प्यारा मरुदेवी माँ का प्यारा वैरागी 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 बन के निकले बोलिए अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले इस भावधारा में बहिएगा और इस भावधारा का लक्ष्य याद रखिएगा कि जब किसी का पुत्र शासन को समर्पित होता है कैसा कलेजा उन माँ बाप का होता है जो शासन को समर्पित अपनी औलाद को कर देते हैं ये ऋषभ कुमार वैरागी बन गए हैं अरे कल तो शादी हुई थी आज वैरागी बनकर निकल रहे हैं मरुदेवा माँ पिता ना भी रहा उनके उद्गार सुनिएगा और अगर आंस में से आंसू निकले तो उनको बहे जाने दीजिएगा जग संग प्रीत त्यागी जग संग प्रीत त्यागी चारित्र का है रागी ओ जग संग प्रीत त्यागी चारित्र का है रागी बनना है भी तिरागी ओ बनना है भी तिरागी वितिरागी वितिरागी बनना है भी तिरागी वैरागी वैरागी बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले माँ क्या कहती है माँ के उद्गार सुनिएगा हमारी गुरुवर्या संस्कार निधि महाराज साहब ने क्या लिखा है तेरी याद में ओ नंदन तेरी याद में ओ नंदन नैना बहेंगे हरदम नैना नैना याद में ओ नंदन नैना बहेंगे हरदम भुला
सकेंगे ना हम भुला भुला सकेंगे ना हम वैराग्य बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले। माता ने ये कह दिया और पिता क्या कहते हैं? पिता जंगल से जंगल देवता से निवेदन करते हैं, ओ जंगल में होगा डेरा वहां कौन होगा तेरा, जंगल में होगा डेरा वहां कौन होगा तेरा, विचरे विचरे ओ विचरेगा तू अकेला, विचरे वैराग बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैराग बन के निकले, अयोध्या नगर का राजा वैराग बन के निकले। माता कहती है हे वन देवता ओ मेरे लाल की लाज रखना, मेरे लाल की लाज रखना, रक्षा जतन से करना, रक्षा जतन से करना, वन देवताओं सुनना बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले। पिता कहते हैं के कांटों कांटे सुमन हो जाए, वन देवता प्रार्थना कर रहे हैं वन देवता से कि कांटे सुमन हो जाए, सुख कर पवन हो जाए। हे पवन देवता जब मेरे लाल को धूप लगे, सुख कर पवन हो जाए, वन भी चमन हो जाए, वन भी चमन हो जाए, वैराग बन के निकले अयोध्या नगर का राजा वैरागी बन के निकले। अरे बाबा की शाली, अयोध्या नगर के राजा वैरागी बन के निकले, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शब्दों के अंदर बहुत ही प्रभावशाली रहस्यमय ये समान बाकी शाली। अयोध्या नगरी के राजा निकले हैं वैरागी बनकर, यही भावना के साथ में अभी इन्होंने कहा कि आंख से आंसू निकलते रहते, निकलते देना भाग्यशाली। जीवन के अंदर आंसू तो बहुत सारे निकलते रहते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर की दीक्षा कल्याण के निमित्त जो आंसू निकलता है ना, वो भी एक बहुत ही प्रभावशाली होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य कराने वाला होता है, अपने हृदय के अपने नाभि के उद्गार को उजागर करने वाला होता है भाग्यशाली। ऐसे विशिष्ट प्रकार के अपने आंख में से निकलते हुए आंसू को कभी रोकना नहीं लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे, और ये जो स्तवन रचा था हमारे परम पूज्य साधुवर्या श्री संस्कार निधि महाराज साहिब ने, ये इसकी रचना की थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव के साथ उन्होंने अपने उद्गार भरे और ऐसी सुंदर रचना की बगीचा ली। खूब खूब अनुमोदन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिताश्री अपने बेटे के प्रति, जब एक बेटा दीक्षा लेने के लिए जाता है ना, तो हम संसारी वाले क्या करते हैं, एक का एक दिकरा था उसको भी निकाल दिया, ऐसी हमारी भावना होती है। और कोई दीक्षा लेता है तो उस बेटे को से, बेटा तू तेरे पिता का अकेला बेटा है, लौता बेटा है, क्यों दीक्षा ले रहा है, ये भी हमारी भावना ऐसी होती है। लेकिन हमारे पूज्य आचार्य भी कहते हैं, कोई भी आत्मा संसार के मार्ग पर अग्रसर होता हो उसको कभी भी रोकना नहीं। अरे भले हम दीक्षा ले सके नहीं ले सके, लेकिन जो रजा रहा है उसकी अनुमोदना, अरे जा बेटा जा, तू एक कुल को छोड़ के जा रहा है, तेरे को हजारों कुल अर्पण होने वाले हैं, ऐसे जैन शासन की प्रवाना करने वाला है, ऐसे जैन शासन का कुल मिलने वाला है, इस मार्ग पर को उसको अग्रसर तैयार करने के लिए अपना उसको भोग देना है, उसको प्रोत्साहन देना है। जिस मार्ग पर जा रहा है बेटा, वही मार्ग सच्चा है, सही है, यही मार्ग पे जाना चाहिए। ऐसी कोई भी आत्मा दीक्षा लेने के लिए तत्पर होती है, तब अपने को ये प्रोत्साहन देना है, बाकी से न की रोकना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक पिताश्री अपना बेटा दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, वो भी युगादि देव प्रथम तीर्थाधिपति। पुण्यशालियों, पिता यानी नाभि राजा, नाभि कुलकर, आदिनाथ प्रभु ऋषभ कुमार जब दीक्षा लेने के लिए प्रस्थित होते हैं, सांसारिक रूप से कहें तो यह विरह और विछोह की एक घड़ी होती है। यह विरह की जो वेदना होती है किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, एक पिता अपने पुत्र के प्रति विरह की इस वेदना को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, आइए सुनने का प्रयत्न करें। हे लाडले पुत्र, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। बेटे, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम हम सबको छोड़ के जा रहा है, तेरी माँ को तो देख, तेरे लिए कितना प्यार है, तेरी याद में रो रो कर वह आधी हो जाएगी। ये अयोध्या के प्रजाजन अपने राजा के वियोग को कैसे सह पाएंगे, लेकिन बेटा तू तो जन्म से ही वैरागी है, हमारे आंसू हमारी विनंती तुझे कहाँ रोक पाएगी। तू जिस मार्ग पर जा रहा है वह सूरवीरों का मार्ग है। हे नंदन, तू अप्रमत संयम का पालन करके कर्मशय करना और तीन लोक में अपनी विजय पताका फहराना। तेरी जय हो, तेरी विजय हो, तेरा मार्ग निष्कंटक हो, तेरे विघ्नों का नाश हो। हे करुणा निधि वत्स, अपने उपकारी माता पिता को उतारने के लिए पुनः इस विनीता नगरी में पधारना। जा पुत्र जा, तेरा कल्याण हो, तेरी जय हो, तेरी विजय हो, तेरी जय जयकार हो। अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही सुंदर। एक पिताश्री ने अपने बेटे को कितना तैयार किया, तू जा और वापस इस विनीता नगरी में आना और हमारे को उतार के तू भी साथ लेके जाना भाई सर। ऐसी सुंदर भावना एक पिता की होती है। अभी ये तो पिताश्री क्या होता है, कहाँ गया है, पिता एक पत्थर का गोला होता है, हाँ, बाहर से कठोर दिखता है और अंदर से एकदम पोचा होता है भाई सर। ऐसी सुंदर पिताश्री ने अपने बेटे को प्रेरणा की, तू जा शासन के मार्ग पर जा। वापस इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं मातुश्री, माता जी का नाम क्या है, हाँ, मरुदेवी माता। देखिए मातुश्री किस तरह अपना एक बेटे के प्रति कितना प्रेम भरा भाव और क्या माता वक्तव्य होता है, सुनिएगा। पिता ने तो अनुमति दे दी, माता कैसे अपने कलेजे की कोर, अपने कालजे के कलेजे के टुकड़े को कैसे समर्पित कर दें, किस प्रकार वन में भेज दें, किस प्रकार दीक्षा ग्रहण के तू अनुमति दे दें,
वो जानती है कि मेरा आने वाला ये पुत्र प्रथम तीर्थंकर के रूप में स्थापित होगा, धर्म संघ की स्थापना करेगा। लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, करुणा से भरा होता है। अपने पुत्र के प्रति जो मोह, जो ममता, जो अनुराग, माता उसके बिछोह को, उसके वियोग को सहन नहीं कर पाएगी। माता कैसे विदा करे अपने पुत्र को? अरे अश्रुओं की धार जब बहती है, अपना हृदय जब द्रवित होता है, माँ कैसे अनुमति दे दे? एक माँ का हृदय, फिर भी उसे पता है कि मेरा लाल तीन लोक का नाथ है, फिर भी एक माँ का हृदय कभी भी अनुमति नहीं देता है। पुण्यशालियों, माँ किस प्रकार एक बार रोकने का प्रयत्न अवश्य करेगी, एक बार निवेदन अवश्य करेगी, लेकिन वो तो निर्मोही है, वो कैसे माता की आज्ञा को स्वीकार करेगा? वो तो निर्मोही बनकर निकल पड़ा है वन की ओर दीक्षा ग्रहण करने के बाद, फिर भी एक रोकने का जो प्रयास, अंतिम प्रयास माता करती है, आइए सुनने का प्रयत्न करें। जय हो, जय हो, मेरे कुल दीपक की जय हो, मेरी कुक्षी के शोभाने वाले लाल की जय हो, जय लाडले नंदन की जय हो, मेरे प्यारे बस, यह मैं क्या देख रही हूँ, तू हम सबको रोता तड़पता छोड़कर संयम की कांटों भरी राह पर चलने जा रहा है, ऐसे विदा करूँ, कैसे विदा करूँ अपने कलेजे को, टुकड़े को, अपनी आँख के तारे को, मेरे दिल की वेदना तुझे कैसे बताऊँ, तेरा सुकोमल शरीर संयम के कांटों को कैसे सहन कर पाएगा, तेरे पाँव के कांटे सूखेंगे, छाले पड़ेंगे, तो कौन तेरी संभाल करेगा, यहाँ तेरी माँ नहीं होगी लाडले, मैं जानती हूँ कि तू जिस मार्ग पर जा रहा है वह परम सुख का मार्ग है पुत्र, मुझे आनंद है कि मेरी कोख को मेरे कुलदीपक ने धन्य बनाया, धन्य बनाया, धन्य बनाया, जा बेटा तू संयम का सुंदर, तू संयम का सुंदर पालन करते हुए घाती कर्म का क्षय करने, केवल ज्ञान प्राप्त करना, जब तू समृद्धि और सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा तब इस माँ को इतना गौरव होगा, इतना गौरव होगा लाल, हमें भूलना नहीं, हमारा भी इस संसार में उद्धार करना, हे वन्नेश्वर देवी मेरी विनंती सुनना, मेरे इस रतन का जतन करना, इसे फूल की तरह संभालना, यह तो मेरा अनमोल मोती है, मेरे हृदय का हार है, तुम्हारे विश्वास पर ही मैं अपने लाल को छोड़ रही हूँ, जय हो, जय हो, मेरे कुलदीपक की जय हो, मेरे कुलदीपक की जय हो, जय हो, जय हो, माता रोए पिता सब ही पुकारे, ऋषभ सुने ना पुकार, ऋषभ सुने ना पुकार,